Gentlemen, His Excellency, Mr. Robert Clive, Governor General, the East India Company. Gentlemen, tashreef rakhiye, please. Mr. Secretary, company ke council of directors ke tamam memberan hazir hain. Aaj ka agenda pesh kijiye. Yes, sir. Is meeting mein, your excellency batayenge ki aaj Hindustan ki siyasi halat kya hai. Hum your excellency ke keemti khayalat janne ke liye betab hain. Thank you. हिंदुस्तानियों की इस वक्त तीन पावर सेंटर हैं और तीनों जगह बात उलझी हुई है। दिल्ली में वजीर इमादुल मुल्क की बात चाहिए है और वो शानशाह शालम को दिल्ली आने नहीं देता, लेकिन हमें इस पावर सेंटर से कोई खतरा नहीं क्योंकि इमादुल मुल्क की फौजी और माली ताकत कुछ नहीं और राजधानी में तख्त पर शालम के ना होने की वजह से मुगल सल्तनत की हैसियत एक लावारिस और यतीम की सी है। बिल्कुल सही। और दूसरा पावर सेंटर? दूसरा पावर सेंटर है लखनऊ। शुजाउद्दौला फौजी तौर पर बहुत ताकतवर हैं और माली तौर पर बहुत दौलतमंद। हमारे मुखबिर मोनीउद्दीन ने खबर भेजी है कि शाह आलम जल्द लखनऊ जाएंगे और दूसरी बार अपनी तख्त नशीनी करेंगे। वो दिल्ली जाने की हसरत कभी बाद में पूरी करेंगे। यहां में कुछ खतरे की उम्मीद हो सकती है। अब हम तीसरे पावर सेंटर के बारे में सुनना चाहेंगे योर एक्सीलेंसी। वो है पुणे। मल्हार राव होलकर जो बहुत ही बहादुर काबिल और देशभक्त हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं। बाकी तीन आदमी नौजवान जोशीले और सख्त अंग्रेज दुश्मन हैं। माधवराव पेशवा, नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। ये पावर सेंटर हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरा हमें किससे हो सकता है? महाजी सिंधिया।